इंसानों को रहने के लिए छत ना मिले, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन अब कब्रिस्तान में भी मुर्दों को दो गज जमीन मयसर नहीं हो पा रही। अतिक्रमणकारियों की काली नजर पूर्णिया के कब्रिस्तानों की जमीन पर है। शहर में मुस्लिम और ईसाई के करीब 8 कब्रगाह हैं। इनमें से कुछ कब्रगाह मुगल कालीन तो कुछ ब्रिटिश कालीन हैं, जो देखरेख की कमी में बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। पूरे बिहार लेवल पे उन कब्रिस्तानों का सर्वे करा लें जहाँ की चार दीवारी नहीं बनी है, जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है, और जहाँ की जमीन को जो है वो समाज के जो है गैर मतलब अनासिर तबकात जो हैं वो लोग उसको हथियाने की या उसको नाजायज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर निगाह रखें। पूर्णिया में कब्रगाह की जमीन पर अवैध कब्जा जारी है। दशक दर दशक कब्रगाहों के नाम लिखी जमीनें सिकुड़ती चली जा रही हैं। फिर चाहे मुस्लिम कब्रगाह हो या ईसाइयों के ग्रेवयार्ड, शहर से लगे जिले के सबसे बड़े कब्रगाहों में से एक है लाइन बाजार कब्रिस्तान रोड स्थित ब्रिटिश कालीन कब्रगाह। शहर की 40,000 की आबादी इस कब्रगाह पर पूरी तरह से निर्भर है। 40 बीघे में फैले इस कब्रिस्तान पर भी बाकी कब्रगाहों की तरह अतिक्रमणकारियों की नापाक नजर है। शहर में जितने भी कब्रिस्तान हैं, गांव से जो लोग पलायन करके शहर में आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे कब्रिस्तान के वजूद पर खतरा पैदा हो गया है। तो वो कब्रिस्तान की जमीन तो बढ़ नहीं रही है, बहुत जगह अतिक्रमण हो रहा है। रामबाग और सिपाही टोला समेत जिले के करीब एक दर्जन कब्रगाहों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा बढ़ा है। बीतते वक्त के साथ जिले के करीब आधा दर्जन कब्रगाहों की करीब 12 बीघा जमीन पर लोगों ने अपनी इमारत खड़ी कर दी और रहने लगे। ऐसे ही कुछ गंभीर संकट ईसाई कम्युनिटी के सामने हैं। कई दफे ग्रेवयार्ड को महफूज रखने के लिए इसमें गेट लगाए गए, मगर अतिक्रमणकारियों के आगे इनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। हमारे चर्च के अंतर्गत बहुत ही प्राचीन ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। एक है जो मुर्गी फॉर्म के नज़दीक एसएसबी कैंप के अपोजिट में है, और ये बहुत ही प्राचीन ग्रेवयार्ड है जहाँ पर पूर्णिया के जिला पदाधिकारी और उस ब्रिटिश काल के बहुत सारे पदाधिकारियों की कब्रें हैं। आज के तारीख में कब्रों की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि आसपास के लोगों उस पर गंदगी फैलाने और उसके दीवारों को तोड़ने और उसको क्षति पहुंचा रहे हैं बारंबार। अंजुमन इस्लामिया के अंडर में ये इस कब्रिस्तान की निगरानी हो रही है। कम 20-25 बीघा ज़मीन में ये कब्रिस्तान है, और आहिस्ते आहिस्ते ये कब्रिस्तान जो है सुकड़ते जा रहा है। उसकी वजह ये है कि लोगों की इसमें जो है अतिक्रमण हुई है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो निगरान लोग हैं, जो सदर सेक्रेटरी अंजुम इस्लामिया के, हालांकि इलेक्शन भी होता है, वोट भी हम लोग दिए हैं, और उन लोगों की नज़र में है, लेकिन फिर भी जो है अतिक्रमण की मुख्तलिफ सूरत इख्तियार करता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 40 बीघा में फैले लाइन बाजार स्थित कब्रगाह में करीब 3,000 से अधिक शवों को दफन किया जा चुका है। बढ़ती जनसंख्या और गांव से शहर की ओर जारी पलायन के बीच कब्रिस्तानों के सिमटते दायरे को देखते हुए भविष्य में कब्रगाहों में जगह की कमी ना पड़े, इसलिए पक्के के कब्रगाह बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ईटीवी भारत के लिए पूर्णिया से आकाश की रिपोर्ट।